जय हिंद साथियों। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फ्रांस यात्रा होने जा रहा है और इस फ्रांस यात्रा में ये बताया जा रहा है कि राफेल अब नेवी की ताकत बनने वाली है, यानी भारत और फ्रांस की राफेल की डील फिर से होने वाली है। तो आज हम इस सेशन में जानेंगे कि जिस लिए मोदी जी जा रहे हैं बेस्टाइल डे परेड में, जिस लिए मोदी जी को आमंत्रित किया गया है, ये बेस्टाइल डे परेड है क्या, जो फ्रांस से पहले डील राफेल का हो चुका था वायुसेना के लिए, क्या वह नौसेना में काम नहीं आएगा, क्यों फिर से नौसेना के लिए राफेल की डील की जा रही है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोनों में अंतर जानेंगे इस सेशन में। तो बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ ध्यान से बड़े सुनिएगा, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फ्रांस में विजिट होने जा रहे हैं, मतलब कि यात्रा होने जा रही है उनकी, और फ्रांस में यात्रा 13 और 14 जुलाई को रहेगी। इसी दिन बेस्टाइल डे परेड होगा यहां पर। अब बेस्टाइल डे परेड क्या होता है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, तो बेस्टाइल दरअसल वहां का एक स्थान है फ्रांस का, जहां पे एक जेल था, बेस्टाइल जेल। 1789 में आर्थिक तंगी आ गई, आर्थिक संकट आ गया, जो वहां के राजा थे इससे अनभिज्ञ थे, ये नहीं जान रहे थे कि आर्थिक संकट दरअसल होता क्या है। तो वो अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग बुलाए और उस मीटिंग में आम जनता को इनवाइट नहीं किया, आम जनता से कोई भी सलाह नहीं मांगी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर घराना और मंत्रियों को बुला करके मीटिंग कर लिए। इसी से नाराज वहां की जनता ने, वहां के नेताओं ने, लोकल नेताओं ने, जनता के नेताओं ने वहां विद्रोह कर दिया और उसी विद्रोह में वहां के राजा ने उन जनता के छोटे छोटे नेताओं को जेल में बंद कर दिया, जिस जेल का नाम था बेस्टाइल जेल। और उसी जेल में से फिर जनता ने उन नेताओं को, अपने नेताओं को छुड़वाया विद्रोह करके। उसी दिन ये बेस्टाइल डे परेड मनाया जाता है, उसी के अवसर पर, उसी के उपलक्ष्य में हर साल फ्रांस में ये दिन मनाया जाता है। जैसे हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से फ्रांस में बेस्टाइल डे पर परेड होता है। बाकायदा वहां फोर्स लगती है, वहां सेना प्रदर्शन किया जाता है। इसी बीच भारत से भी सेनाएं गई हैं वहां पे प्रदर्शन करने के लिए। भारत से सैनिक लगभग गए हैं 4300, घोड़े गए हैं 200, वाहन गए हैं लगभग 221, 71 प्लेन, 25 हेलीकॉप्टर, इन प्लेनों में राफेल भी शामिल है वहां शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। और इस बेस्टाइल डे परेड में मोदी जी को आमंत्रित किया गया है अतिथि के तौर पर। अब यही बात सामने निकल के आ रही है कि इसी बीच जो फ्रांस विजिट करेंगे मोदी जी, इसमें नौसेना के लिए राफेल की डील करने वाली हैं। हालांकि अभी यह पुष्टि सरकारी तरीके से नहीं की गई है, सरकारी इंफॉर्मेशन नहीं आया है, अभी भी कोई इसकी पुष्टि नहीं किया है कि हाँ राफेल की डील होगी ही होगी। अब ये राफेल की डील की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी जान लीजिए। जो हमारा कैरियर एयरक्राफ्ट है INS विक्रांत, स्वदेशी निर्मित है, इस पर क्या होता है, ये अपने देश में ही पूरी तरीके से बना है। अब इस पर क्या होता है, एयरक्राफ्ट होल्ड कराया जाता है। अब इस पर कौन से शामिल हैं, कौन से एयरक्राफ्ट शामिल हैं, तो MiG-29 ये कहाँ का है, रूस का है। अभी अपने देश का स्वदेशी निर्मित तेजस, LCA तेजस, ये अभी इसको आते आते 7 सालों का लगभग समय लग जाएगा, 2030 तक इसका पहुंच जाएगा टाइम, आते आते पूरा तरीके से मान्यता मिल करके विकसित होते होते MiG-29 अभी काम कर रहा है, लेकिन एक तरीके से कहें कि यह बूढ़ा हो चुका है, बहुत ही पुराना मॉडल हो चुका है, रूस के द्वारा लिया गया है। तो हम क्यों नहीं अब फिर से एयरक्राफ्ट को, जो राफेल है एयरक्राफ्ट मरीन के लिए, समुद्री सेवा देने के लिए, वो क्यों हम फ्रांस से ही मंगा रहे हैं, क्यों पहले जो रूस से आया था रूस से नहीं मंगा लिए, या फिर अमेरिका से नहीं मंगा लिए। हम लोग 3 ही देश पे निर्भर रहते हैं हथियारों के मामले में लगभग, ज्यादा से ज्यादा, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया और रूस हो गया। तो रूस से आया ये, आप जानते होंगे पिछले 2 सालों से रूस क्या हो रहा है, युद्ध में लगा हुआ है यूक्रेन के साथ, तो वहां पे वैसे ही कोई नया चीज विकसित नहीं हो रहा है। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका में हार्नेट एक वहां का है, हार्नेट एयरक्राफ्ट, तो उसको हम लोगों ने लाया और टेस्ट किया, लेकिन यह राफेल के मुकाबले यह ज्यादा कार्य हम लोगों के लिए कारगर साबित नहीं हुआ, इसीलिए हार्नेट यूएसए का फेल हो गया और राफेल वहां पे पास हो गया। अब बात करते हैं राफेल जो आया हुआ है वायुसेना के लिए, जो 36 रॉकेट पहले ही आया हुआ है पिछले 7 सालों में, तो उसका यूज हम क्यों नहीं नौसेना में कर सकते हैं, ये भी बात जान लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि राफेल किसने बनाया है, तो डेसाल्ट एविएशन कंपनी ने इस राफेल को बनाया है, और इसका यूज हम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि नौसेना
के राफेल के मुकाबले जो वायुसेना का राफेल होता है इसका इंजन हल्का होता है। आप जानते होंगे कैरियर एयरक्राफ्ट में पानी पर ही तैरते तैरते अपने एयरक्राफ्ट को होल्ड करा लेना, यही इसकी खासियत होती है कैरियर क्राफ्ट की, जो कि हम लोगों के पास है विक्रांत है और भी कई सारे हैं, तो उस पर आप देखें होंगे कम ही एरिया होता है और लैंड भी करना रहता है, टेकऑफ भी करना रहता है उतना ही एरिया में। तो इसका इंजन इतना मजबूत चाहिए कि कम एरिया में वो क्या करे, टेकऑफ कर जाए और लैंडिंग कर रहा है तो लैंडिंग कर रहा है। आप लोग लैंडिंग देखे होंगे तो इसको रबड़ से रोका जाता है, एक रबड़ रहता है जब उतरता है उसके पहिए में क्या होता है फंस जाता है और वो अपनी तरफ खींचता है, तो उस तरह इसकी लैंडिंग कराई जाती है। टेकऑफ के लिए कम दूरी में ही इसको उड़ जाना है, नहीं तो आगे पानी में ही गिर जाएगा, नाकॉक फूट जाएगा उसका। तो वही सब देख करके इसलिए इसको इतना मजबूत बनाया जाता है, जो कि वायुसेना का हम लोगों का 36 राफेल जो मिल चुका है वो इसके मुकाबले, जो मराइन है राफेल मरीन के लिए, तो इसके मुकाबले इसका इंजन कमजोर है। इसीलिए अब 26 राफेल की मांग हो रही है और उस 26 राफेल को 4500 करोड़ में डील होगा। अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है इसकी, अभी हवा हवाई में ये सब बात हो रही है, लेकिन जल्द ही 2 दिनों के अंदर ये पुष्टि हो जाएगी कि हाँ ये बात सही है या फिर नहीं सही है, हम फ्रांस के साथ राफेल की डील कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये पूरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। राफेल की डील अब नौसेना की ताकत बनेगा राफेल, और ऐसा हो जाता है तो हमारे लिए एक समझ लीजिए उपलब्धि ही होगी। बाकी बात करते हैं कि बेस्टाइल डे परेड की, तो समझ में आ गया होगा कि बेस्टाइल डे परेड होता क्यों है, मैंने इसकी कहानी आप लोगों के सामने बता दिया। लेकिन आप लोगों से एक शिकायत है मेरी कि आप लोग चैनल वीडियो को देख तो रहे हैं, चैनल पे विजिट तो कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा मनोबल और बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आऊँ। मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।